लगातार चुनौती को देखने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। ऐसा लगता है कि जेसिका भूख से मरी जा रही है और इस समय उसे सारे डाइट और प्रतिबंध का कोई भी ख्याल नहीं है। वह भूख से बेहोश होने वाली है और अपने पेट में कुछ भी डाल लेने के लिए बेताब है। लेकिन फ्रिज खाली है और अलमारी में भी कुछ नहीं है। उसके पेट के गुड़गुड़ाने की आवाज को शांत करने के लिए वह क्या करेगी? लगता है कि एशली और रैचल थोड़ा खाने के लिए तैयार हैं, या शायद थोड़े से ज्यादा, पर मंगवाया क्या जाए? या कोई निश्चित नहीं है कि इन सारे स्वादिष्ट खाने की तस्वीरों को देखकर और दर्द हो रहा है या स्थिति में मदद कर रहा है। इतने सारे विकल्प हैं। लेकिन जेसिका को अपना छिपाया हुआ खजाना याद आ गया है, कुछ मीठा जिससे वह खुश हो जाए। बहुत अच्छा जेस, माफ करना लड़कियों, जब भूखे हो तो सब अकेले होते हैं। वाह बैम, और ऐसे ही शेफ केरा आ गई है सबको बचाने के लिए। अभी तो सरप्राइज शुरू ही हुआ है लड़कियों, क्या हम शुरू करें? तुम में से प्रत्येक को एक कार्य खत्म करना होगा एक एक फोल्डर उठाने के बाद, और यह उम्मीद मत करना कि यह आसान होगा। अभी हम पता करेंगे कि खाने के लिए तुम लोग क्या कुछ कर सकते हो। अपने फोल्डर खोलो और लगता है कि जेसिका को काटना होगा, रैचल को कुछ नहीं और एशली को कुछ चाटना होगा। और यह है तुम्हारी पहली व्यंजन, मछली व्हिप क्रीम से सजी हुई। यह है वह स्वादिष्ट भोजन जो तुम लोगों को खाना होगा। मैं तो इससे 10 फीट दूर होती तभी भी ना छूती। तो इसका मतलब है तुम लोग के लिए खाने के लिए ज्यादा है। लगता है कि तुम यह करना ही होगा। अब तुम्हारी बारी है जेस, एक बार बड़ा काटो या फिर भूखे ही रहो, फैसला तुम्हारा है। ठीक है, रुक जाओ, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मछली एक ब्रोकली के रूप में बदल गई है, खराब बदलाव नहीं है, कम से कम इससे कोई बदबू तो नहीं आ रही है। दूसरा दौर, देखते हैं किस समय कौन क्या करेगा, और यह भी देख लेते हैं कि तुम में से कौन अपने दांतों को किस चीज में घुसाएगा। और भी बुरा हो सकता है ना? ठीक है, जेसिका इस दौर में आराम से बैठेगी। रैचल अपने दांतों को तैयार कर लो और एशली फिर से चलो शुरू करते हैं लड़कियों। एशली, हम जानते हैं कि आप बहादुर हैं और वास्तव में एक अंडे के छिलकों को चाटने में डरने की कोई बात नहीं है। रैचल पहले दौर में भागशाली थी, लेकिन अब हम देखेंगे कि तुम इसे कैसे संभालती हो। चलो। कुड़कुड़ा। वाह, अगर सच सच कहूँ तो यह स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। अच्छा ये कि रैचल थी, हम नहीं। बहुत बढ़िया यार। क्या आपको सस्पेंस महसूस हो रहा है? हमारी प्यारी लड़कियों के लिए तीसरी दौर में क्या इंतजार कर रहा है? तो चलो उठाओ और देखो क्या है नीचे। छी, बिल्लियों का खाना। शेफ केरा, आप तो एक क्रूर बेदर्द कैफेटेरिया महिला से बदतर हैं। लेकिन नियम तो नियम है और खेल सबको खेलना होगा। सभी अपने कार्य उठा लो। जेसिका को इस बिल्ली के खाने को चाटना होगा, रैचल को इसे काटना होगा और एशली तो भाग्यशाली निकली। जैस, तुम पहली हो, तैयार हो जाओ और अपने कार्य को खत्म करो। किसे पता हो सकता है कि ये उतना बुरा ना हो। बहुत अच्छा, बस अपने आप को यही कहते रहना कि बाद में पुरस्कार के रूप में कुछ अच्छा खा पाओ, जैसे केक। वह शोर क्या है? सायरन, क्या चल रहा है? अच्छा मैं देख रही हूँ, रेचल को दंड दिया जा रहा है भाग लेने से मना करने के लिए। थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग के लिए मैडम। तुम कैसा महसूस कर रही हो? डिलीवरी। चलो समय बर्बाद मत करो और देखो इधर क्या है। मैं देख रही हूँ कि तुम सभी को चौथे दौर को शुरू करने का बहुत मन है, और एक बार देखो अपने अगले व्यंजन को ढूंढने के लिए। ठीक है, यह बहुत अजीब है और मैं तो बिल्कुल भी निश्चित नहीं हूँ कि यह है क्या। यह रबड़ जैसा जेलो? नहीं ऐसा नहीं है। ओ, यह एक स्लाइम का प्लेट है तुम्हारे खाने के लिए। जेस, तुम सुरक्षित हो। रैचल को काटना होगा और एशली को अपना सामान्य कार्य फिर से करना होगा। अब कोई पीछे मुड़कर नहीं देखना है दोस्तों। एशली, अपनी अंदर की बिल्ली को बाहर निकालो और इसे चाटो। क्या तुम जिंदा रहोगी? शायद ये तुम्हारी बाकी के दौर के जितना बुरा नहीं है। शुभकामनाएं और शायद अलविदा रैचल, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। कितना भयानक, लेकिन तुमने यह कर दिया, प्रभावशाली। ढक्कन उतारो। और यह कपकेक है। आखिरकार तुम लड़कियों की अपनी पसंद का कुछ मिल गया है। चलो अब पता करते हैं कि असली विजेता कौन है।
ठीक है जेस, उन्हें मिला लो और सबको दे दो। जेसिका को केक मिलेगा, रेचल को भूखा छोड़ देंगे और एशली हमेशा की तरह वैसे ही। एशली थोड़ा सा तो मेरे लिए भी छोड़ देना, ठीक है? लगता है कि एशली तो इस बार अच्छे से कर रही है, अगर वह कर सकती तो। कुछ सही नहीं है। क्या वह तीखा है? अरे नहीं, इससे जेसिका को समझ आ गया कि क्या उसे नहीं करना है। उसे एक बड़ा बाइट लेना होगा और उसे निगलना भी होगा। वह सारे अजीब फ्रॉस्टिंग जब चला गया तब जेसिका के पास स्वादिष्ट केक के अलावा कुछ नहीं है, है ना? अच्छा, और इसी बात पर चलो चुनौती जारी रखते हैं। हर दौर के साथ चीजें बहुत गंभीर हैं और तनावपूर्ण हो रहे हैं, है ना लड़कियों? और इस बार तुम तीनों के लिए क्या इंतजार कर रहा है? पहले अपने कार्य बांट लो। और कुछ नहीं, चाटना और काटना। रुको, फिर से केक? यह सच नहीं हो सकता है। अरे जेस, तुम तो यह पिछले दौर में कर चुकी हो, अब दूसरे को तो आनंद लेने दो। चलो रेचल, चाटो इसे, इसे पहले कि कोई और करे। अब और वह पूरा केक मेरा है। अरे यह सही नहीं है, रुक जाओ तुम दोनों। लगता है कि बहुत देर हो गई, अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। जब आप भूखे हो तो दोस्ती और नियम को पीछे छोड़ा जा सकता है, जो इन केक के टुकड़ों के साथ बिल्कुल नहीं किया गया है। स्वादिष्ट? हाँ, भगवान का शुक्र है इसके लिए। आप लोग को क्या लगता है कि अब क्या होगा, कुछ स्वादिष्ट या कुछ अजीब? क्या, एक कैक्टस? अरे यह तो पिछले दौर की तरह आसान नहीं है। ठीक है लड़कियों, तुम्हें पता होगा आगे क्या होगा। तुम लोगों को लग रहा है कि फोल्डर्स को बदल कर तुम लोग बच जाओगी? अब भीगी बिल्ली मत बनो। आखिरकार एशली को मिल गया जो वह चाहती थी, वह बच गई। जेसिका को चाटना होगा और रेचल को सबसे कठिन काम मिल गया है। जेस, तुम पहले जाओ। वाह, तुम वह कैसे कर रही हो जेस? तुम्हें बहुत दर्द नहीं हो रहा है? किसी हाल में नहीं। एक मिनट रुको, झूठी तुम्हारी जीभ। बहुत अच्छा मैडम, तुम चाहती तो तुम्हें सर्कस में काम मिल जाना चाहिए, लेकिन हम यह मान लेंगे। चलो रेचल, तैयार हो जाओ, अपने आप को काम पर लगाओ और दिखाओ कि तुम किस चीज की बनी हो। हम तुम्हारे ठीक पीछे हैं। रुक जाओ, यह एक खेल है, यह तुम्हारी बहादुरी का पुरस्कार है। पीछे हो जाओ तुम दोनों, यह मेरा है। ओप्स, तुम्हें और अधिक उदार होना चाहिए था। अब देखो क्या हो रहा है। और अब तो हम सुनिश्चित होकर कह सकते हैं कि चीजें और खराब होंगी। वैसे भोजन का आनंद लो सब लोग। अरे ध्यान से, और हमारे हेडसेप के पास जो घर पर देख रहे हैं उनके लिए भी कुछ है। सब्सक्राइब करना ना भूले। स्वादिष्ट। समय आ गया है मेडल देने का और हाथ मिलाने का। आज के शो के सभी सितारे के साथ हर किसी ने बहुत अच्छा काम किया। अपने कुकी नेकलेस का आनंद ले, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। इसे बचाओ जब तुम्हें अगली बार भूख लगे। रेचल, बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम एक चैलेंज को छोड़ दिया। मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपने आप पर गर्व हो रहा है और तुम्हें अपना सर ऊंचा रखना है, लेकिन एक एहसान करो और अपना सर झुकाओ जरा। तुम लोगों ने कर दिखाया लड़कियों, सारे कार्य अब खत्म हुए, लेकिन बहुत अच्छी चुनौती थे ना? फिर करने के लिए कौन करती है? यह ज़ॉम्बी कपल बहुत भूखे हैं। दोस्तों रुको, वेट्रेस आ रही है। हाय। आखिरकार, हम यहाँ पर मर रहे थे। अरे नहीं, क्या ये ज़ॉम्बी है? नहीं, मुझे बस एक सेकंड दीजिए। वो फिर से चली गई। क्या तुम्हें लगता है कि वापस आएगी? परेशानी के लिए माफ करें, लेकिन हमने आपके लिए कुछ खास तैयार किया है। ये शेफ की तरफ से है। मतलब सुनो, क्या तुम ये देख रही हो? कितना खराब। क्या ये स्लाइम है? बहुत गंदा। मुझे कोई नया आजमाने में कोई एतराज नहीं है। क्या तुम वाकई में यह खतरा उठाना चाहोगी? ये बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है।
शायद ये जैसा दिखता है उससे बेहतर हो, या ऊपर से खून जैसा दिख रहा है। ओ बहुत खराब, ये सबसे खराब चीज है जिसे मैंने कभी खाया हो। तुम हमें ये कैसे दे सकती हो? मैं ये नहीं सह सकता। मुझे पता था कि आदमियों का स्वाद खराब होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो गया। और करीब मत आओ। ठीक है मानव, अब हमें एक दूसरे को जानने की जरूरत है स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ। ठीक है, यहाँ देखते हैं कि क्या है। आंखें? ये बहुत ताजे हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये खाने को मिल रहा है और मुझे कुछ नहीं मिला। खैर मानव, चाटना शुरू करो इससे पहले कि मेरा मूड बदल जाए। शायद उसे शुरू करना चाहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पूरा? ओह, मैं नहीं देख सकती। इन आंखों में कुछ सही नहीं लग रहा है, लेकिन तुम्हें अभी भी खाना पड़ेगा लड़की। नहीं कृपया नहीं, इसके अलावा कुछ भी। अगर कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो मुझे एक छोटी आंख दो। ओह, ये बहुत नरम है और मीठा, मुझे पसंद है। मुझे यकीन है कि इसका मालिक बहुत चीनी खाता होगा। तुम बहुत मजाक किया हो। दोस्तों, अपनी लाइक से हमारी मानव दोस्त का समर्थन करें और मुझे अपने कमेंट्स भेजें। मुझे आशा है कि इस बार भी हमें कुछ स्वादिष्ट मिले। उंगलियां। सही में? मैं इसे नहीं खा सकती। मानव कितने कमजोर होते हैं। चलो इसे होश में लाते हैं। अरे लड़की उठो। नाश्ते का समय है। वह इतनी धीमी है कि मैं उसे काटना चाहता हूँ। मुझे एक काट दो। मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे ये खून से सनी उंगलियां मिल रही हैं? मैं इसे चाटूंगा। इसमें ज्यादा खून की जरूरत है, इससे ये रसदार हो जाता है। ओ, अच्छी खुशबू आ रही है। अजीब, इसका स्वाद उंगलियों की तरह नहीं है। तुम ठीक हो सोफी? ये सिर्फ एक बुरा सपना है जो वास्तविक लग रहा है, तो ठीक है। नो, मैं इन उंगलियों को खाऊंगी, नहीं तो वो मेरे खा जाएंगे। ये स्वाद जानी पहचानी लग रही है। ये हॉट डॉग है। मैं बिना मतलब के डर रही थी, ये बस एक ज़ॉम्बी शरारत है। कद्दू के बीज के नाखूनों के लिए हम केवल हॉट डॉग पर एक बीज चिपका देंगे और फ्रेश मैनिक्योर तैयार है। हर उंगली के लिए आप ऐसे ही करिए। और अब इन सॉसेस को काट लेते हैं ताकि ये ज्यादा असली लगे। मुझे तो ये काफी अच्छे दिख रहे हैं। इसके बाद कुछ केचप डालें और परोसे। बहुत बढ़िया, मुझे हॉट डॉग पसंद है, असली उंगलियों से बहुत बेहतर। इस लड़की को तो बहुत भूख लगी थी। उसने सारी उंगलियां खा ली। यह तो बस कमाल है। मुझे कुछ स्वादिष्ट खाने को कब मिलेगा? चलो फिले मिन्योन। ठीक है, चलो देखते हैं। तुम जादूगर हो, तुमने हमें मिट्टी के साथ ताजा कीड़े दिए। मुझे यह पसंद है। कीड़े? नहीं, मुझे फिर से काटना होगा। आज मेरी किस्मत को क्या हुआ है? मैं आखिरकार कुछ खा पाऊंगी। इधर आओ छोटे कीड़े, मैं तुम्हें चाटूंगी। क्या यह मीठा है? लगता है कि ये खराब हो गए हैं। लड़की, तुम इसे खाओ। और अगर तुम नहीं खाना चाहती हो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। सुनो, तुम इसके हाथ पकड़ो, इसे एक असली ज़ॉम्बी एक्सपीरियंस देते हैं। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। ये
उतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। इसका स्वाद कुकी की तरह है। सोफी तुम सही हो, यह बस ओरियो है। इस डरावनी स्नैक के लिए तुम्हें बस चॉकलेट कुकी को मसल देना है। अब यह मिट्टी की तरह दिख रहा है और अब आपको बस इसमें गमी वॉर्म डालना है और बस इसके आनंद लीजिए। यह एक स्वादिष्ट डिजर्ट है। अब इसे छोड़ दो, हम लोग ऐसे भी अभी इस नकली ज़ॉम्बी खाना को नहीं खाने वाले हैं। हाँ, अब मेरे लिए और बचेगा। अब मैं किसी चीज से भी नहीं डरती हूँ। वाह मस्तिष्क। हाँ वाह, मुझे लगता है मैंने जल्दी बोल दिया, ये भयानक लग रहा है। कुछ नहीं, यह सही नहीं है। चिंता मत करो, मैं इसे हम दोनों की तरफ से चाट लूंगी। मैं इसे खाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मूर्ख इंसान, ये ज़ॉम्बी व्यंजन है। तुम्हें असली खाना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ओछी, ये असली मस्तिष्क नहीं है, नकली। फिर से रोना छोड़ो और खाओ। मुझ पर चिल्लाओ मत। ठीक है, मैं इसे खाऊंगी। मदद के लिए धन्यवाद। लेकिन मैं इसे खुद भी कर सकती थी। मुझे नहीं पता था कि मस्तिष्क कितना कुरकुरा होता है। जाहिर तौर पर ये एक सामान्य फूलगोभी है। मूर्ख सोफी, तुम बहुत बोली हो। फूलगोभी को मस्तिष्क की तरह दिखाने के लिए बस इसमें खाने वाला लाल रंग मिलाएं और इसे समान रूप से फैलाएं और यह तैयार है। और तुम्हें पता है यह खाने में अच्छे हैं। इंसान को कोई असली स्वाद नहीं पता है, बेकार चीज। हाँ, यह शर्म की बात है। केवल इंसान को फूलगोभी पसंद होता है। चलो लड़की, ढक्कन हटाओ, हम भूख से मर रहे हैं। ये चिकन पैर है, मुझे एक चाहिए अभी। मैं अभी भी भूखा ही रहूंगा। और मुझे फिर से काटना है। तुम्हें हमेशा हर बात से शिकायत रहती है। तुम्हें जिंदगी के मजे लेना सीखना चाहिए। मैं इस छोटे से पैर को चाटने के लिए उत्साहित हूँ। अब तुम्हारी बारी लड़की। मैंने कहा करो। ठीक है, शांत हो जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम ये मुझ पर फेंक दो। मतलब मैं नहीं कहूंगी कि ये घृणित है, लेकिन स्वीकार करो कि तुम्हें यह पसंद आया। ये आवाज कैसी है? मेरी जान, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने सारे पैर खा लिए? ओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, कम से कम एक तो बचा है। तुम्हें चाहिए? धन्यवाद, मुझे इसी की जरूरत थी। इसे खोलो, तुम किसका इंतजार कर रही हो? ये लड़की सही कह रही है। ओ यस, हरा स्लाइम है। छी, तुम ये बलगम कैसे खा सकते हो? तुम्हें कोई स्वाद नहीं पता है। सच में मेरी जान, एक कार्ड उठाओ। शुक्र है, मैं भाग्यशाली निकली। मैं भी, मुझे वो स्लाइम चाटने दो और मैं इसे खा सकता हूँ। ओ देखो ये कितना स्ट्रेची है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये लार, बलगम और दिमाग एक साथ मिलाया हुआ लग रहा है। ये स्लाइम बहुत अच्छा है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, मैं ये सारा चाहता हूँ। कितना बढ़िया ट्रीट है।
छी, तुमने इसे सब तरफ फैला दिया है। छी, मैं ये अपने ऊपर से कैसे हटाऊं? बस मुझे दे दो, एक बूंद भी नहीं बचेगा। बहुत स्वादिष्ट, लेकिन इतना कम। खाना खाना खाना। वाह हड्डियाँ, लेकिन हड्डियों को कैसे चबा सकते हैं? मुझे देखो कि इसे कैसे किया जाता है। मुझे फिर से कुछ नहीं मिला, यह चुनौती बहुत खराब है। हटो, मुझे पहला हड्डी मिलेगा। यह इतना नरम क्यों है? यह नरम है, इसे यह आसान नहीं हो जाता है। चलो अब इसे खाओ भी, जैसे कि मेरे पास कोई विकल्प है। यह बहुत मीठा है, मुझे मीठे चीजें बहुत पसंद है। सोफी, क्या तुम्हें यह पता नहीं चला कि यह वापस से एक ज़ॉम्बी शरारत है? यह विशेष व्यंजन साधारण मार्शमेलोज़ है। इसे हड्डी बनाने के लिए बस चॉपस्टिक्स लें और इसे बीच से तोड़ दें और उस पर मार्शमेलोज़ लगा दें, प्रत्येक छोर पर 1, 2, 3, 4 और अंत में 2 और। अब हड्डी तैयार है। चलो दूसरा भी ऐसा ही करते हैं। अब मुझे ज़ॉम्बी खाना पसंद आने लगा है। क्या मैं यह खा सकती हूँ? मैं इसे खुद खा सकती हूँ। वेटर कहाँ है? मैं जल्द ही भूख से मर जाऊंगा। तुम्हें पता है ना कि तुम बहुत पहले ही मर गए थे। नमस्कार, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? हे भगवान, एक चुड़ैल और एक ज़ॉम्बी? हमारे लिए कुछ स्वादिष्ट लाओ और जल्दी। हाँ बिल्कुल। कितनी अजीब लड़की है। अच्छू, मुझे सर्दी हो गई है। क्योंकि तुम हमेशा ठंडे रहते हो, मैं तुम्हारी यह कभी ना खत्म होने वाले से थक गई हूँ। ओह खाना, क्या है इधर? यह पकड़ो। छी, कितना गंदा। क्या वो खून है? बहुत अच्छा दिख रहा है। पता लगाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो खून नहीं है, हमें कुछ नकली दिया गया है। तुम सही कह रहे हो, कितना भयानक। और तुम ऐसा व्यवहार करोगी अपने ग्राहक के साथ? चिंता मत करो, हम उसे एक सबक सिखाते हैं। क्या कर रही हो? क्या हुआ? सब कुछ इतना डरावना लग रहा है। हम यहाँ क्या करने वाले हैं? मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मुझे घर जाना है। शायद हम बस वो खा लेते हैं जो आप चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि यहाँ क्या है। अब यह हुई ना बात। मकड़ी। अरे हाँ, यह तो बहुत बढ़िया होगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन मुझे एक बार तो खाना ही होगा। चलो लड़की, शुरू हो जाओ, खाओ। गॉश, मेरे हाथ को निकालने की कोई जरूरत नहीं है। छी, उसने वो कैसे किया? कृपया मुझे छोड़ दो, मैं कभी अपनी जिंदगी में इतना नहीं डरी हूँ। एक आंख जैसी चीज के ऊपर एक कीड़ा, इतना भयानक। लेकिन मैं यह कर सकती हूँ। यह सच में उतना बुरा नहीं है, इससे कुछ तो याद आ रहा है। मुझे यह पसंद आया, बहुत बढ़िया शुरुआत हुई। मैंने कहा था ना। किसी कारण से मुझे इस बार और भी घबराहट हो रही है। खून से भरी हुई उंगलियां? नहीं, मेरा मनपसंद व्यंजन। वो भयानक लग रहे हैं, मैं भी होश हो जाऊंगी। hey! उफ, कितनी कमजोर है। आबरा का डाबरा, गिली गिली छू।
अरे तुम उठो, अब ठीक हो? अच्छा है, काम कर गया। उसके लिए माफ करना, वो उंगलियां तो मेरे लिए उम्मीद से भी ज्यादा डरावने निकले। अब बातें बंद करो, चलो पता करते हैं कि यह स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद कौन लेगा। अब तो डरना बंद करो। फिर से काटना, उसके अलावा कुछ भी चलता। खैर, कम से कम मैं थोड़ा तो चख सकती हूँ। मैं खुशी खुशी पहले जाती हूँ। मैं सबसे मोटा और जिस पर सबसे ज्यादा खून है वो वाला चुनूंगी। यह क्या है, फिर से? यह खून नहीं है। यह बकवास जिसे खाना कह रहे हो मुझसे दूर कर दो। मुझे तो एकदम असली लग रहा है, एक सेकंड के लिए भी शक नहीं है। लेकिन अगर मैं एक मकड़ी खा सकती हूँ तो यह आसान होना चाहिए। अरे फिर से, मुझे जैसा लगा था उसे बहुत स्वादिष्ट निकला। उस लड़की को बिल्कुल नहीं पता अच्छा भोजन क्या होता है। गॉश, मुझे नहीं पता, मैं खा सकता था तो मैं जरूर खाता। यह अद्भुत है, उंगली चाटने लायक। मैं हमारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाती हूँ। हो गया, चलो देखते हैं। कीचड़ और कीड़े, बहुत अच्छा, मेरा जादू बेशक काम कर गया। मैं बीमार हो जाऊंगी। मैं क्यों, हमेशा मैं। यह बाइट कार्ड तो मेरे पीछे पड़ गया है। चाटना कुछ नहीं से तो बेहतर है। मैं जितना उठा सकता हूँ उतना ले लेता हूँ। बहुत सारा मिट्टी और कीड़ा, अच्छा और ताजा भी। चलो अब तुम खाओ लड़की। मैं उंगलियों से भरी हुई हूँ, मैं नहीं खा सकती। तुमने उसे बोला खाना खाने के लिए और उसने सीधा मना कर दिया, बहुत बुरा। लेकिन हम इसका ध्यान रख लेंगे। अपना मुंह खोलो यारा हवाई जहाज। बहुत अच्छा, देखा कितना आसान था। ची 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 ची। मुझे तो लगता है कि यह बहुत ही स्वादिष्ट मिट्टी है। क्या तुम खाना चाहोगी? कमाल का है, सबसे अच्छे से भी अच्छा, बहुत मजेदार चुनौती है। जो हमने पहले खाया है उससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता है। अरे नहीं, मैं गलत थी। एक मस्तिष्क 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 मस्तिष्क। तुम इतने खुश क्यों हो? यह बहुत ही डरावना है। अपने रोने धोने से हमें उदास करने की कोशिश मत करो लड़की। तुम भाग्यशाली हो कि मुझे चाटना मिला है। वाओ। काटना, यह तो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। अब शुरू करती हूँ। आश्चर्य कि इतना कड़ा है, एक टुकड़ा नहीं निकल पा रहा है। हाँ यह रहा, अद्भुत, बहुत स्वादिष्ट। मुझे तो अपने आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। एक इतना बड़ा मस्तिष्क और यह पूरा मेरे लिए है। मैं रसदार हिस्सों से शुरू करता हूँ। इतना जाना पहचाना स्वाद है, अब मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा। मेरे पास आओ कीमती हीरे। मैं एक दाना तक नहीं छोड़ूंगा। मस्तिष्क। कितना डरावना जैको लैंटर्न है, मुझे बहुत अच्छा लगा। हेलो प्यारे दोस्त। ओह, और मुझे इसे चखने का मौका मिलेगा, और दुर्भाग्यपूर्ण मुझे भी। कुछ नहीं, उफ। कृपया तुम पहले जाओ। हाँ सच में। अरे धन्यवाद, इसकी खुशबू तो लाजवाब है और स्वाद तो और भी बेहतर। मैं बस यहाँ से चिप ले लेती हूँ, देखो कोई दिक्कत नहीं है। hey! तुम्हें लगता है कि तुम हमें आसानी से उल्लू बना सकती हो? यहाँ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ लड़की। छी, कितना गंदा। और यहाँ मुझे लग रहा था कि तुम्हें यह व्यंजन पसंद आया। अरे तुम उधर क्या कर रहे हो?
खा रहा हूँ या पता लगाने के लिए कि इतना शोर क्यों हो रहा है। तुम दोनों की वजह से मुझे भूख लग गई है। यह तो मस्तिष्क से भी बेहतर है। खैर, अगर नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो तुम मेरे लिए कुछ भी छोड़ देते। और भी है, बहुत स्वादिष्ट। हमारी किस्मत अब मेरे हाथों में है। देखो, तुम तो कछुए से भी धीरे हो। लाओ मैं दे दूं। फिर से चाटना, और भी बुरा हो सकता था। वाह, सबसे अच्छा कार्ड, कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा, फिर से कुछ खाने का समय। पहले देखते हैं। छी, मुंह में दांत भरे हुए। और लेकिन पास से देखो तो ये बहुत मजेदार लग रहे हैं। मेरे पास बिल्कुल वैसे ही दांत हैं। दिलचस्प। अपना मुंह बंद करो तुम दोनों, यह खाने के लिए है। माफ करना, मैं खुद को रोक नहीं पाई। तो फिर मैं भी तुम्हारी तरह करता हूँ। मुझे खुद पर पूरा यकीन है कि मैं यह एक बार में खा सकता हूँ। यार, बहुत रसदार है। सबसे अच्छा चुनौती है यह। मुझे हिम्मत नहीं है, तुम खोलो। खुशी खुशी। वाह, अद्भुत। यह छोटे छोटे ज़ॉम्बीज है, एक वास्तविक कलाकृति। मैं निश्चित हूँ कि वह छोटे खोपड़ियों की तरह लग रहे हैं, और खाना नहीं। ओह, आशा है कि किस्मत फिर से मेरा साथ देगी। यहाँ। वाह, कमाल है, कम से कम चाटना है। मुझे बहुत अफसोस है कि मुझे कुछ नहीं मिला। मैं तो बिना कोई झिझक के यह खा लेता। वो तो तुम कोई भी खाने वाली चीज के बारे में कहती हो, लेकिन इस बार नहीं मिस्टर। जो भी हो, यह मैं कर लूंगी। अच्छा नहीं था, लेकिन बुरा भी नहीं है। मैं वो हड्डियों वाले व्यंजन को ले लेती हूँ। धन्यवाद। मत देखो छोटे दोस्त, बहुत मजा आया।